गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम करते हैं कक्षा 3 की हिंदी का पार्ट है जो तीसरा, इसका नाम है पिघलाती बूंद। आज हम करने जा रहे हैं, यहाँ पर बूंद का मानवीकरण किया गया है। बूंद बता रही है हमें कि वह किस प्रकार आसमान में उड़ना चाहती है और वह किस प्रकार किन किन चीजों को देखकर उदास हो जाती है और वह किस प्रकार से उनकी सहायता करती है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं शुरू से। नन्ही सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूलती इठला रही थी। यहाँ पर शब्द आया है इठलाना। इठलाना का मतलब क्या होता है? इतराना। के एक नन्ही सी बूंद, छोटी सी बूंद, और वह इतरा रही थी क्या करने के लिए? लहरों पर झूलते हुए कुछ सोच रही थी। वह क्या सोच रही थी? उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था। कल्पना की उड़ान मतलब उसका जो मन था वह कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था? लहरों के झूले झूलती हुई सोच रही थी काश कि वह लहरों पर झूलती हुई, समंदर के अंदर वह लहरें जो होती हैं उनके ऊपर वह झूलती हुई कुछ सोच रही थी, काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती। क्या इच्छा थी उसकी? बादलों के संग उड़ने की, कि शायद मैं भी कभी बादलों के संग उड़ पाऊं। उसकी यह इच्छा थी कि मुझे जो बादलों के संग उड़ना है। और वह क्या कर रही है वहां पर? वहां से खेती को देखती। खेती मतलब कृषि, जहां पर किसान फसल उगाता है। मैं उनकी फसलों को, उनके हरे हरे खेत को देख पाती। बाग बाग बगीचों को निहारती। निहारती मतलब देखती कि मैं जो बाग बगीचे हैं जहां पर फल और फूल लगे हैं मैं उनको देखती। बड़े बड़े वृक्षों की चोटियों को देख पाती। और जो बड़े बड़े वृक्ष हैं मैं उनको ऊपर से, यानी कि ऊपर की चोटी तक उनको देख पाती। यह बूंद की इच्छा थी। वह कल्पना कर रही थी कि काश मैं ऐसा कर पाती। यह सोचते सोचते उस पर सूर्य की किरणों का चौंधा पड़ा। क्या पड़ा? सूर्य की किरणों का चौंधा। चौंधा मतलब प्रकाश, ठीक है, लाइट। तो जब वह यह सोच रही थी बूंद, तभी सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ी और वह क्या हुआ? तब सूर्य के ताप से, ताप मतलब गर्मी, सूर्य के ताप से गर्माहट पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। क्या बन गया उसका? भाप, ठीक है। आप भी ये करके देख सकते हो। आप थोड़ा सा पानी लीजिए और उसको कहीं जमीन के ऊपर आप उसको डाल दीजिए। थोड़ी देर में देखेंगे जैसे ही उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है वह भाप बनकर वहां से उड़ जाती है, पानी वहां से खत्म हो जाता है। आप घर पे ट्राई करके देखना ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ही वह सूर्य का जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ा तो वह भाप बनकर ऊपर आसमान में उड़ गई। बादलों के संग मिलकर देश देश घूमी और वह बादल बन गई। जो बूंद थी हमारी वह क्या बन गई? बादल। और वह बादलों के संग आसमान में चलते हुए क्या हुआ? देश देश में, यानी कि पूरे देश में वह घूमी। ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई आगे निकल गई, यानी कि उसने बड़े बड़े पर्वत देखे, ठीक है। हमारे देश में बहुत सारे पर्वत हैं तो उसने उन पर्वतों को देखा। खेतों और बाग बगीचों को देखकर वह कुछ उदास हो गई। अब जब उसने खेतों का हाल देखा तो वह बूंद उदास हो गई। ऐसा क्यों हुआ? खेत उतने हरे न थे। जो बूंद मतलब समंदर की लहरों पर वह जब लहर रही थी तब वह सोच रही थी कि काश मैं खेतों को देख पाती, हरे हरे खेतों को देख पाती। तब जब वह बादलों के संग उड़ चली तब उसने देखा खेतों का हाल, वहां पर उतनी हरियाली नहीं थी और बागों में फल उतने रसीले न थे जितने उसने सोचे थे। यानी कि उसने सोचा था कि मैं बाग बगीचों में जाऊंगी, वहां के फलों को देखूंगी। उसने देखा कि फल उतने रसीले दिखाई नहीं दे रहे हैं और उस बूंद को इस प्रकार की चिंता होने लगी, ठीक है।